इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग, जो गंगा जमुनी तहजीब के संग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी अपने आप में समेटे है। इलाहाबाद शंकरगढ़ और धूरपुर लालापुर मार्ग पर शहर की कोलाहल से लगभग 45 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट के करीब है मनकामेश्वर पहाड़ी। इस पहाड़ी की चट्टाने एक अलग इतिहास की गवाह है, जिसका पता हाल ही में खुदाई के दौरान लगा। लौह काल की इस विशाल शिवलिंग को देखकर तत्कालीन कला और पवित्रता की सहज अनुभूति होती है। मनकामेश्वर पहाड़ी की चट्टानों में पाषाणकालीन चित्रकारी भी देखने को मिलती है। गेरू मिट्टी से बनी यह चित्रकारी अमिट है, जो पानी की बूंदों के संग खिलकर उभर आती है। कत्था और इंद्रजौ जैसी वनौषधियों के खजानों से भरी पूरी इस पहाड़ी पर अब एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि खुदाई में मिली धरोहर को और स्मरणीय दर्शनीय बनाया जा सके। पाषाणकालीन सभ्यता कितनी समृद्ध और सम्मोहक थी, हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये अवशेष उस काल की कहानी की स्पष्ट तस्वीर खींच देते हैं।